हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कंपटीशन एग्जाम में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कंपटीशन एग्जाम का भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल डिफाइन कर सकते हैं इंक्लूड, देन यहाँ पर आप लिख दीजिए आईयूस्ट्रीम, देन Using name is std, then int main, main function आपका हो जाएगा। Now सबसे पहले आप यहाँ पर increment operation हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है int a equal to 10। Now देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा int b b equal to a plus plus। So मैंने यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट किया, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इस कंडीशन में अगर आप सी आउट करते हैं और वैल्यू प्रिंट करते हैं ए की, एंड देन आप वैल्यू प्रिंट कर दीजिए बी की, स्लैश एन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपका बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, एंड सी आउट आप यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, तो आपका जो आउटपुट रिटर्न करेगा, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका ए की वैल्यू तो आपकी रहेगी 11, एंड बी की वैल्यू आपकी रिटर्न कर देगा ये 10। देखिए पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं, एंड इंक्रीमेंट डॉट सीपीपी से हमने सेव किया, देन कंपाइल करेंगे आप इसे, कंपाइल हो गया आपका, रन करेंगे आप तो देखिए यहां पर 11 एंड 10 आ रहा है आपका वैल्यू। 11 वैल्यू है आपकी ए की एंड 10 वैल्यू है बी की। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू ए वैल्यू असाइन हो गई है बी को, तो B की वैल्यू तो 10 हो चुकी है, एंड इसके बाद A प्लस प्लस A में इंक्रीमेंट हुआ है एक वैल्यू, तो A की वैल्यू हो गई 11। तो इस टाइप से आपका ये होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। सो नाउ नेक्स्ट कंडीशन, अगर मैं आपको प्री इंक्रीमेंट की बात करें, अब यहाँ पर हम चलिए मैं प्री इंक्रीमेंट भी आपको इसी प्रोग्राम में हम लोग क्रिएट करेंगे स्लैश एन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं इंटीजर x इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है, एंड इंटीजर y इक्वल टू, अब देखिए प्लस 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 x मैंने कर दिया, तो इसे बोलते हैं आपका पोस्ट प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट हो गया है। अब इस कंडीशन में अगर आप सी आउट करते हैं, यहां पर वैल्यू प्रिंट करेंगे x की, देन स्लैश एन हम लोग ले लेते हैं, एंड सी आउट देन आप वैल्यू प्रिंट कर दीजिए y की, तो इस केस में इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो आपका पहले इंक्रीमेंट हो रहा है देन असाइन हो रही है y में, तो इसका मीनिंग है यहां पर भी आपकी वैल्यू 11 रहेगी x की वैल्यू भी, एंड y की वैल्यू भी ये रिटर्न करेगा 11। तो देखिए सेव करते हैं हम लोग, इसको कंपाइल किया मैंने, देन रन मैंने किया, तो देखिए 11 एंड 11 लास्ट वैल्यू आपकी 11 11 आ रही है, तो इसका मीनिंग है दोनों वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है 11 11, तो इससे बोलते हैं आपका प्री इंक्रीमेंट। तो ये आपका प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट है। सेम आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, यही चीज आप अगर डिक्रीमेंट पे करेंगे तो चेंज हो जाएगा आपकी वैल्यू। सो डिक्रीमेंट के लिए देखिए, जैसे आपने यहाँ पर लिखा माइनस 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 किया, तो इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी, देखिए सब पहले बी को असाइन हो गई है कि ए की वैल्यू तो 10 रहेगी, सॉरी बी की वैल्यू तो 10 रहेगी, ए की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। तो देखिए पहला जो रिटर्न करेगा 9 एंड 10 रिटर्न करेगा। सो कंपाइल किया मैंने एंड रन कर रहा हूं, मैं फास्टली से डिजाइन कर रहा हूँ 9 एंड 10। देखिए ए की वैल्यू आपकी 9 हो चुकी है एंड बी की वैल्यू आपकी 10 हो चुकी है। सेम यहाँ पर अगर आप प्री डिक्रीमेंट करेंगे माइनस माइनस, इसको प्री डिक्रीमेंट आपका बोलते हैं, प्री डिक्रीमेंट आप करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखिए, तो पहले आपके दोनों वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है तब असाइन हो रही है वाई को, तो यानी यहां पर भी वैल्यू आपकी 9 रहेगी एंड नेक्स्ट वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी, यहां पर 9 रहेगी, सॉरी 9 रहेगी। अगर सेव करें आप इसको, कंपाइल करें, देन आप इसे रन करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं 9 एंड 9 आपका यहाँ पर रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो ये सिंपल कोड है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का। और जो कंपटीशन एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर राइट अप करता हूँ एक क्वेश्चन, इंटीजर बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस
देन प्लस माइनस माइनस ए। इसके बाद वो आपसे यहां पर पूछेगा सी आउट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देन आप यहां पर ए को प्रिंट कर दीजिए एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए भी प्रिंट कर देते हैं, प्लस एन एंड सी आउट देन सेकेंड वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, देन आप बी यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे। सेव कीजिए आप इसको एंड कंपाइल करेंगे एंड रन आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 13 एंड 36 आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 13 एंड 36 है आपका प्रॉपरली। आप अगर बी की बात करते हैं तो बी इक्वल टू, देखिए पहले आपका प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट मीन वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए की भी आपकी कितनी है 11 है। नाउ नेक्स्ट प्लस ऑपरेटर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपको असाइन करनी है उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है तो 11 तो आपको असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 12, 12 आपका आ चुका है। प्लस नेक्स्ट कंडीशन में देखिए अब आपका क्या है, यहाँ पर प्लस प्लस ए है। प्लस प्लस ए का मीनिंग है ए की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो रही है और असाइन भी हो रही है तो यहाँ पर 13 आ जाएगा एंड नेक्स्ट वैल्यू आपकी ए की हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू। तो ए की जो लास्ट वैल्यू है वो तो आपकी 13 है एंड बी की जो वैल्यू है वो आपका ऐड होके जो भी आएगा वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बी की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिटर्न आपको हो रहा है वो हो रहा है आपका 12 13 एंड ये आपका रिटर्न हो जाएगा प्रॉपर। अगर आप रन करते हैं तो रिटर्न हो रहा है 36, तो वैल्यू आपकी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी 36। तो इस टाइप से आपका ये प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिटरमाइन होता है और ये इस टाइप से आपका कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। सो थैंक यू फ्रेंड।